डायमंड ब्लेक में ऐसी याददाश्त या कोई मेमोरी है जो किसी ने आपको गिफ्ट किया हो जो आपको? जी जब मैं छोटी थी तो आई थिंक हमारे घर में ना हर कोई जो भी स्पेशल ओकेजन होता था कि अच्छे मार्क्स आ गए एग्जाम में या बर्थडे है या व्हाटएवर, सो माय पेरेंट्स ऑलवेज हैड दिस हैबिट ऑफ ट्रेडिशनली ऐसे सोचते हैं टू मेक सम ज्वेलरी फॉर अस, तो कभी कोई रिंग कभी कोई इयर रिंग. सो आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट माय फर्स्ट पेयर ऑफ डायमंड इयर रिंग, वेरी स्मॉल छोटे डायमंड्स, आई स्टिल हैव देम एंड माय फादर गिफ्टेड टू मी, तो अभी भी आई थिंक दैट्स वेरी वेरी स्पेशल टू मी. वो अभी आपने कहा कि जो डायमंड आपको बहुत पसंद था, अभी एक्टर अच्छा खासा आप कमा रहे, तो पहली कमाई की कोई डायमंड या खरीदा? नहीं, मुझे अभी भी पसंद है कि लोग ही मुझे गिफ्ट करें, मैं अपना पैसा बचा के रखना चाहती हूँ. सर आपसे भी जानना चाहेंगे, सर आपसे भी, क्योंकि हुमा जी यहाँ पर आए, उनके लिए क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग हुई है आप लोगों ने? See, Huma, हमारे साथ जैसे she already mentioned, she is what we call a friend of Foremark. And I think Foremark brand जिसके लिए बना है, she is the right epitome for a modern Indian woman who is hardworking, who stood on her own feet and is extremely talented. So we feel very proud that Huma is a partner. And today with the celebration of our partnership with Waman and Pethe, there could be nobody else who could celebrate us, you know, it with us than her. Like I said, I'm very proud to associate with Forever, and she's been with them for a long period of time, and I think the brand is growing with her, so hopefully we'll also grow. Yeah. Thank you so much. Thank you. नहीं, एक्ट्रेसेस बिना ज्वेलरी के भी सुंदर लगती हैं, ऐसी बात नहीं है. वो सब बिना मेकअप के और बिना ज्वेलरी के बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं. वो एक्चुअली पेनफुल वीडियो है, मेरी ट्रेनर है राकेश, वो जल्लाद बोलते हैं हम उनको जिम में, तो वो जल्लाद का काम करते हैं, तो आजकल वो मुझसे कुछ ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं, बट आई एम एंजॉइंग इट. एंड अभी आप देखिएगा कुछ हफ्तों में मोर पेनफुल वीडियोस विल कम आउट. नहीं, एक्चुअली अब दिस ट्रेनिंग शुरू हुई थी बिकॉज आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर लैला, जो मेरा नेटफ्लिक्स का शो है जो जून में आ रहा है, तो आई थिंक उसके दौरान ट्रेनिंग शुरू हुई. और आई थिंक अब वो थोड़ा सा ना ट्रेनिंग एंड वर्किंग आउट इज़ लाइक यू नो इट्स वेरी एडिक्टिव, सो आप जब करते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है एंड देन यू डोंट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ इट. सो आई थिंक ऑल द शूटिंग खत्म हो गई है, बट उसके बावजूद भी आई थिंक आई एम रियली एंजॉइंग ट्रेनिंग इन द जिम. आई थिंक मोर देन माई वीडियो बिरयानी वाला टैग हैज़ बिकम क्वाइट पॉपुलर. देखिए अब मैं यू नो हमारे घर में, मेरा नाम हुमा कुरैशी है, हमारे घर में बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, सो आई थिंक वंस वाइल चीट डे मैं कर लूँगी, बट आई थिंक अदरवाइज आई एम रियली इन्जॉइंग माई वर्कआउट्स एंड आई रियली इन्जॉइंग ट्रेनिंग एंड बींग फिट. ओके हुमा, इसी के साथ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ लीला? इट्स रिलीजिंग ऑन जून 14th. या तो अभी क्या, कब तक ट्रेलर वेलर उसका क्या दिखे? उसका ट्रेलर जल्द आएगा, ये करेक्ट फोरम नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए, तो हम जल्दी मिलेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम वेरी वेरी आई थिंक बहुत एक्साइटिंग रहेगा और आई थिंक इट विल बी समथिंग वेरी स्पेशल दैट वी हैव नॉट सीन बिफोर. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट इवनिंग. अरे स्टिल दादा पीछे आ जाओ ना, थोड़ा यहाँ से लोगे तो अच्छा मिलेगा, बैठ जाओ. ये सही
So